नमस्कार दोस्तों, हम हैं एकता और रोरा। सब लोगों के स्वागत करते हैं भोजपुरिया स्वादिष्ट रसोई में। आज हम आप सब खाती बहुत ही स्वादिष्ट सा छोला भटूरा का रेसिपी लेके आयल बनी, जो ना बाहर जाके खाई खाए के तबियत खराब करब ओकरा से बढ़िया काहे ना हमनी के घर में बनाई जा और बहुत ही टेस्टी बनाई जा। बिल्कुल बाहर वाला रेस्टोरेंट वाला स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम फुलल फुलल मुलायम हमारे भटूरा और बहुत ही स्वादिष्ट दिल्ली वाला स्टाइल में हम बनाए छोला। तो चली बिना देर कैले आज के टेस्टी सा रेसिपी शुरू करते नहीं जा। तो छोला भटूरा बनाव खातिर सबसे पहले हमनी के भटूरा के आटा गूंद के रख ले तनी। तेजी हम एक परात में ले लेते नहीं एक कटोरी सूजी और यही कटोरी के नाप से हम एक कटोरी दही ले ले। तो हम एक ही कटोरी से सूजी और एक ही कटोरी के दही, साथ में नमक और चीनी ये सब डाल दी ही और डाल करके अच्छे से मिला ली थे। इतना में हम दो दो चम्मच के करीब डल ले बनी चीनी और थोड़ा सा नमक के यूज़ कर ले बनी। अच्छे से मिलाई, 5 मिनट अच्छे से फेट करके रख दी ही ताकि जो सूजी बा वो फर्मेंट हो जाओ, फूल जाओ। बस से हमरा वह कटोरी के यूज़ करे के बा और इसकी हम ले जानी 2 कटोरी के करीब मैदा। अगर मेजरमेंट से बनाए तो हमारे भटूरा जो बनी एकदम फुलल फुलल और बहुत ही सॉफ्ट बनी, बहुत ही मुलायम बनी। अगर आप एक दिन बाद भी भटूरा के खाए भी वो एकदम सॉफ्ट रही। तो चलिए आगे हम देखते हैं। एक में अब हम डाल दे तेल। तेजगी हम डाल दे 4 से 5 बड़ा चम्मच तेल, रिफाइंड तेल के यूज के लिए बनी। और एक साथ हम डाल दे इनो, एक पैकेट इनो हम इसकी डाल दे तनी ग्रीन वाला। अगर आप चाहें तो एक बदले आप इसकी बेकिंग पाउडर भी डाल सके नी, चाहे खाए वाला मीठा सोडा डाल करके अच्छे से करा के मिक्स कर ली। और बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करे के बटे पहले। और अगर आपके लागी कि एक में थोड़ा पानी जाए तब पानी डाली, हल्का सा रूम टेम्परेचर पे पानी ले ली ही और एक बहुत ही अच्छा सा आटा गूंद के तैयार करी। बहुत कड़क नेखे बनाओ के और बहुत मुलायम भी आटा हमने के नेखे गूंदे के, बहुत ही मीडियम में जैसे हमने के रोटी के बनाए नहीं जाए उकरा से थोड़ा सा सॉफ्ट आटा हम गूंद के तैयार कर ले। और इसकी देखिए हमारा आटा गूंद के भग गया। अब हम थोड़ा सा तेल ले लेते नहीं हाथ पे और ये तरी हम एक के चिकना कर लेते नहीं, चिकना करके एक के वापस से एक खाली मिला के और फिर एक के रख ली है। अब हमरा का करे के बाद एक सूती के कपड़ा ले लेते नहीं, ओकरा के हम भींगा करके और ओकर पानी निकाल लेते नहीं पूरा तरी ढक करके रख देते नहीं प्लेट से करीबन 15 मिनट खाती। आप एकरा के रख दी ही फर्मेंट होके खाती और अगर चाहे तो आप आधा से 1 घंटा भी रख सके नहीं। साथ ही में हम छोला बना लेते नहीं तो प्रेशर कुकर में हम डाल देते नहीं काबली चना। और चना के अभी हमरा उबाले के बाद काबली चना के रात भर पानी में भिंगो करके रख दी है। सुबेरे उठ करके बहुत ही अच्छे से साफ कर ली है, साफ करके प्रेशर कुकर में करके डाल दी। साथ ही में डाली 1.5 ग्लास से करीब पानी और पानी के साथ जाइए मैं हल्दी और हल्दी नमक डाली टेस्ट के हिसाब से। और उसके बाद एक में डाल दी थोड़ा सा हींग। काबली चना या कोई भी चना की सब्जी बनाई तो हींग जरूर ऐड करी, उसका में अच्छा फ्लेवर भी आई और पाचन शक्ति में भी बहुत अच्छा रहेला। तब अब एक में हम कुछ मसाला भी ऐड करब। तेजगी हमने बनी कॉटन के कपड़ा, सूती के कपड़ा ले ली ही और एकरा में डाल दी चाय पत्ती, 1.5 चम्मच करीब चाय पत्ती डाल देनी। दालचीनी है तरी हम तोड़ के डाल देते नहीं 1 से 2 इंच। और एकरा साथ हम एकरा में डाल दे थोड़ा सा और कुछ गरम मसाला। तेजगी हम ले लेते नहीं जावित्री, जावित्री के बस थोड़ा सा टुकड़ा चाहिए हमरा डाल के। फिर ओकरा बाद डाल दी लौंग, 3 से 4 लौंग डाल दी है। और एकरा साथ जाइए एक बड़ा इलायची और बड़ा इलायची के साथ आप डाल दी हैं में छोटा इलायची हरा वाला 2 गो हम डाल दे ले बनी। और साथ ही में डाल दे तेज पत्ता। बस एकरा अलावा हमरा कुछ नहीं डाले के। अगर आप एकरा अलावा अगर कोनो मसाला स्किप कर चाहते नहीं तो इनमें से निकाल सके नहीं। अब अच्छे से करा के हमने के एगो पोटली बना लेवे के बाद अब हम एकरा के रख ले अच्छे से बांध करके कुकर में। बीचों बीच में आप रख दी ही और सीटी लगाई एकरा में 3 से 4 मीडियम टू स्लो फ्लेम पर कुकर के हमने के सीटी लगा लेवे के बाद। तो जब तक हमारा कुकर सीटी देता तब तक हम कुछ मसाला भी पीस के तैयार कर लेते नहीं। तो हेजगे हम ले ले बनी धनिया, 1 चम्मच के करीब हम गोटा धनिया ले ले बनी, साथ में जीरा बा 1/2 चम्मच और काली मिर्च बा 1/2 चम्मच। एक साथ जाता है लहसुन, 5 से 6 लहसुन के कली ले ली। साथ में ले ली अदरक के टुकड़ा, 2 इंच अदरक के टुकड़ा हम ले ले बनी, 3 हरी मिर्च बा और 3 ही लाल मिर्च हम ले लेते नहीं। साथ ही साथ हिजगी हम डालते हैं इलायची, 2 इलायची डाल दी ही और साथ में 2 से 4 हम लौंग डाल दे। बस एक अलावा और कुछ भी हमारे में यूज नहीं करे के। और एक बहुत ही अच्छा सा बारीक सा हम एक पेस्ट बना के तैयार कर लेते नहीं।
तेजगी देखी, थोड़ा थोड़ा पानी डाली, अब पानी डाल के बहुत ही अच्छे से कर पेस्ट बना ली बारीक। तो हमारे जब मसाला पिसा गए, अब हम एकरा के अलग कर देनी, साथ ही में हमारे कुकर भी ठंडा हो गई बा। तब एकर हम सीटी जोन बाटे एक्स्ट्रा निकाल करके एक हाली हम चना के भी चेक कर लेते हैं। तेजगी आप चना देख सके नहीं, बहुत ही अच्छे से बॉयल भ गई बा, पोटली निकाल दी है चना, देखिए हम मसल के दिखाओ तो नहीं, बहुत ही अच्छे से बॉयल भ गई बा। अब हमारा का करे के बा कि एक कढ़ाई हम गर्म कर लेते नहीं, और जब अच्छे से गर्म हो जाए तो ओकरा में डाल दी तेल। तो हम इसकी डालते नहीं 3 से 4 चम्मच के करीब तेल, और तेल के साथ जब गर्म हो जाए तब हम एकरा में जीरा डाल देब 1/2 छोटा चम्मच, साथ ही में डाला भेजगी तेज पत्ता डाल दही, और एकरा साथ जाए लाल मिर्च 2 से 4 लाल मिर्च डाली, साथ में डाल दी 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक काट करके। तेजगी हम बारीक काट ले बने प्याज के, और एकरा में डाल के एकरा के हम अच्छा से फ्राई करते नहीं जब तक एकर कलर लाल ना हो जाओ। तेजगी देखी कलर बहुत ही अच्छे से चेंज हो गया बा। अब हम एकरा में डाल दे टमाटर, तो 2 मीडियम साइज के टमाटर के भी यूज़ के लिए बनी, और अच्छे से बारीक काट करके डाल दी। जब तक पकाए के बाद कि हमारा जो टमाटर बस सॉफ्ट हो जाए, तेजगी टमाटर सॉफ्ट हो गए और हमने जो मसाला बनेले रहनी है जा, तो मसाला हम एकरा में ऐड कर देते नहीं। मसाला डाली, डाल करके अच्छी तरह से एकरा के मिला ली, और एक हली मिलाला के बाद आप एकरा में डाल दी हल्दी पाउडर। तो आप हल्दी पाउडर डाली 1/2 छोटा चम्मच, और ओकरा बाद जाए नमक। नमक के यूज़ हमने के पहले भी कैले बनी जाए चना उबालत समय, तो ध्यान से नमक डाले के बाद, और ओकरा साथ जाइएगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हम कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देले बनी में, और थोड़ा सा तीखा वाला लाल मिर्च भी डाल देले बनी। छोला हा तो तीखा ही अच्छा लगेला, तो थोड़ा सा छोला तीखा बनाव के बा। तो बस अब एकरा से मिलाई, और मिला करके अच्छे से एकरा के एक पाली ढक दी 2 से 3 मिनट काटती, बिल्कुल मीडियम से स्लो फ्लेम पर। अब 3 मिनट के बाद आप ढक्कन हटाई, और देख सके नहीं मसाला ऑलमोस्ट हल्का हल्का पक गई बा। अच्छे से फ्राई करी 2 मिनट इस तरी खुला करके, और ओकरा बाद वापस जब मसाला जब प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए तब आप एकरा के वापस से ढक के पकाई। तो इसकी देखी मसाला बहुत ही अच्छे से फ्राई भ गई बा। 3 से 4 मिनट में मसाला बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए, तब आप एकरा के वापस से एक हाली थोड़ा सा पानी डाली, और पानी डाल करके वापस एकरा के ढक दी ही 2 मिनट खाती, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर बहुत ही अच्छे से मसाला के पका लेबे के बाद। हेजगी हमार मसाला बहुत ही अच्छी तरह से पाक करके देख सके नहीं तैयार भ गेल बा। एक हाली मिलाई, और मिला कर एकरा में चना ऐड कर दी। तो चना डाली, या चना डाल करके वापस से आपके मिलाओ के बाद फ्राई करे के बाद, एकदम सूखा फ्राई करे के बाद करीबन 4 मिनट वापस एकरा के फ्राई करी भूज भूज के। तो इसके देख सके नहीं बहुत ही अच्छे से मसाला जोन बाद चना में अच्छा सा लटपट भ गई बा, बहुत ही अच्छी तरह से लटपट भ गई और भुजा गई। 3 से 4 मिनट के बाद आप एकरा में डाल दी पानी। तो हम इसकी 1.5 कप के करीब पानी डाल देनी। पानी डाल करके वापस एकरा के मिला ली, और मिला करके एकरा के ढक के रख दी ही करीबन 5 मिनट खाती, एकदम मीडियम स्लो पर धीरे धीरे पाके खाती। और इसके आप देख सके नहीं हमारे ऑलमोस्ट छोला बन के तैयार भ गेल बा, बहुत ही टेस्टी सा, कलर भी देखिए कितना सुंदर आयल बा, और खाए में तो हम बता ही ना सके नहीं। तो वापस से चली हम एकरा के एक तड़का और लगाई। तो हम तड़का पैन लेके एकरा में डाल देते नहीं घी, 2 चम्मच के करीब हम घी डाल देले बनी, जब हल्का सा घी मेल्ट हो जाए ना तब एकरा में डालब अदरक, लंबा लच्छा में काट के अदरक डाले के बाद, लंबा स्लाइस में काट के हरी मिर्च डाले के बाद, अब एकरा के हम अच्छे से फ्राई कर लेते नहीं। जब एकर कलर चेंज हो जाए गोल्डन कलर पे आ जाए, जब आप देख सके नहीं गोल्डन कलर पे आ गए बाद, तब हम 2 चम्मच के करीब डाल दे कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी डालला के साथ आप गैस के तुरंत बंद कर दी, नहीं तो हमने के जो तड़का बना जल जाए। बस हल्का सा आप एकरा के मिलाई, और मिला के तुरंत आप डाल दी छोला के ऊपर। तेजगी हम डाल देनी छोला के ऊपर, और एकरा के डल्ला के साथ डाल दी बारीक कटल हरा धनिया। एक हाली वापस एकरा के मिला ली, और हमारे जी गर्मा गर्म छोला तैयार भ गेल बा। आप जरूर ट्राई करब इस तरीका से छोला, बहुत ही अच्छा लगेला, डबल तड़का वाला छोला बहुत टेस्टी लगेला। बस मिला ली, और मिला के अब चलिए हम भटूरा के आटा भी एक हाली चेक कर लेते नहीं। तेजगी हम आटा जोन बा कितना बढ़िया फर्मेट भ गेल बा, जाला दिखाई देता चारों तरफ से। वापस आप एकरा के एक हाली मिला ली, चारों तरफ से अच्छे से मिला ली, और मिला करके आप एकर एक लोई निकाली छोटा सा। तब इसकी एक छोटा सा लोई निकाल लेते नहीं, बिल्कुल मीडियम साइज़ के लोई निकालते नहीं, और चौकी पे लगा लेते नहीं हम थोड़ा सा तेल। और तेल लगा करके हम जोन भटूरा बा अपन भटूरा बेल करके तैयार कर लेते नहीं। बस मीडियम साइज़ के भटूरा बेल लेवे के बाद, ना बहुत ज़्यादा मोटा होके के चाहिए और ना ही पतला, बस अच्छे से आप एकरा के बेल ली। और साइड में कढ़ाई में तेल भी रख दी गर्म होके खाती। तो हमारे भटूरा इसकी देखिए हम बेल के तैयार कर लेते नहीं।
हमार भटूरा इज की ऑलमोस्ट तैयार भ गेल बा। आ भटूरा बेलत समय आप एक ही डायरेक्शन में बेली, और अगर आप उठा के करब तो वापस सिकुड़ के छोटा हो जाए। तो बस वापस से एक ही साथ बेल करके करा के तैयार करी, एक ही साथ उठावे खातिर, अगर उठाए तो वापस छोटा हो जाए। तब एक ही साथ एकरा के बेल ली और डायरेक्ट एकरा में से उठा के आप एकरा के गर्मा गर्म तेल पे डाले थे जी। आप देख सके नहीं हम उठाओ तो इन तक कैसे छोटा हो जाता। तो बस थोड़ा सा फैला दी एकरा के अच्छी तरह से, इसके देखिए थोड़ा सा हम फैला देते नहीं, और एक मीडियम साइज़ के भटूरा बना के तैयार करते नहीं। तो अब हमारे तेल भी अच्छे से गर्म भ गेल बा। तेल अच्छे को हीट पे गर्म होके की चाहिए तब भटूरा ऐड करी। तो ऐड कला के साथ एक ऊपर आपके डाले के बाद गर्म गर्म तेल, तो जी हम भटूरा है तरी डाल देते नहीं, एक ही डायरेक्शन में डाले के बाद और ऊपर आप एकरा पे तेल डाली। तुरंत आप देखब कि हमने के जो भटूरा बा डालत के साथ ही फूल जाए, तो जी आप देख सके नहीं कितनी एकदम गोल हमार भटूरा फूल के तैयार भगल देखी। तो इसकी देख ली ही, अब एकरा के पलट के दूसरा साइड से भी आप सेक ली ही। गरम तेल डलला से का होखेला कि भाप बनी ना तो बहुत जल्दी फूल जाई, एकदम फूलल फूलल भटूरा बन के एकदम मुलायम हमार तैयार भेल बा। तो बस अब यही तरीके से सारा भटूरा बना के तैयार कर ली, और गर्मा गर्म छोला भटूरा और साथ में प्याज ऐड करके आप सर्व करी। बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी बा, हम आप सब लोग के एक तोड़ के भी दिखाओ तनी। तो हिजकी देखिए हमारे भटूरा कितना सॉफ्ट और कितना जालीदार भटूरा बन करके तैयार भेलवा, एकदम जाली दिखाई देता पूरा चारों तरफ से। तो इसकी आप देख सके नहीं बहुत ही सॉफ्ट सा भटूरा बन के तैयार भ गेल बा। और आप जरूर इन रेसिपी के ट्राई करी, और अगर अच्छा लगी तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करब। अपन दोस्त से और अपन फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी के जरूर शेयर करब जा, और कमेंट्स करी कि आप सब लोग के रेसिपी कैसा लागत था। और सब लोग के अच्छा लागल हो तो जरूर लाइक करब जा। ऐसे ने टेस्टी सा रेसिपी के साथ आप सब खाती फिर आप सबसे फिर मिले खाती आओ तनी। तब तक अपन बहुत बहुत ध्यान रखब जा। बाय बाय।